प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेरी सफल यात्रा रे पाछे पुग्या सिंगापुर आपरा समकक्ष लॉरेंस वोंग रे साथे करेला द्विपक्षीय बैठक। जोधपुर एयरबेस माथे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास जारी। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई और हंगरी की वायुसेना के साथ भारतीय लड़ाकू विमान दिखा दिया है आपूर्ण रण कौशल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा 11 अधिकारी पदोन्नत होर बनिया आईएएस अधिकारी। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन करियो जारी। प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरा माथे। जयपुर राम मोती डूंगी गणेश मंदिर में सजाई की मोदकारी झांकी। भगवान गणेश ने धारण कराए गयो खास मुकुट। और प्रदेश में तेज बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में तेज बिरखा की जताई संभावना। जोधपुर में रेल यातायात भी प्रभावित। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई री सफल यात्रा रे पाछे सिंगापुर पू गया है। प्रधानमंत्री सिंगापुर में आपरा समकक्ष लॉरेंस वोंग रे साथे द्विपक्षीय बैठक करेला। इनसु पहली ब्रुनेई में दोनों देशों रे बीच हुई प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता रे पाछे प्रधानमंत्री कया कि मैं व्यापारिक संबंधा और वाणिज्यिक संपर्कारो भी विस्तार कराला। वे कया कि दोनों देश एक दूसरा री भावना रो सम्मान करे है और दोनों देश रा राजनयिक संबंधा ने 40 वर्ष पूरा हो रिया है। इनी बीच दोनों देशा रे बीचे कई अहम समझौता माते हस्ताक्षर विया। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जोधपुर एयरबेस माथे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 चल रही है। 14 सितंबर तई चालन वाली या एक्सरसाइज में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई और हंगरी जड़ा देशा री वायुसेना भाग ले रही है। इन अभ्यास में भारतीय वायुसेना रा लड़ाकू विमान रे साथे साथे आपरो रण कौशल दिखा रिया है। इन एक्सरसाइज के दौरान रक्षा प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा 11 अधिकारी पदोन्नत होर आईएएस बन गया है। केंद्र सरकार कानिसु काल इन संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दियो गयो। इन में शाहीन अली, आकाश तोमर, अरुण कुमार हसीजा, मनीष गोयल, मातादीन मीणा, कमल राम मीणा, केसर लाल मीणा, हिम्मत सिंह बारट, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम सैनी और संजय असवाल शामिल है। केंद्रीय रिक्तियारे बदले स्टेट सिविल सर्विसेज राजस्थान सु यारो प्रमोशन करियो गयो है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कानिसु अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता रो आयोजन करियो जा रियो है। यू जीनियस राष्ट्रीय स्तरीय सामान्य जागरूक प्रतियोगिता खातर आज जयपुर में रीजनल राउंड प्रतियोगिता राखी गई। आंचलिक कार्यालय जयपुरी उप महाप्रबंधक कविता श्रीवास्तव बताया कि देशभर में 48 सेंटरा माथे आ प्रतियोगिता राखी जा रही है। प्रतियोगिता रो उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी करिया। इन मौके कविता श्रीवास्तव बताया कि रीजनल राउंड प्रतियोगिता में विजेता बच्चा जोनल राउंड में भाग लेवेला। के दौर में जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बच्चों को अप टू डेट रखते हैं, वो एक तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को जनरल नॉलेज और सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, चाहे वो कैट के इंटरव्यूज़ का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों को अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जनरल नॉलेज की अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को मोटिवेट करने से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और उनको एक एक्सपोजर का मौका मिलता है। इस चीज़ के लिए मैं यूनियन बैंक की पूरी टीम को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे जयपुर से, राजस्थान से जो दूसरे उदयपुर सेंटर में भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होकर के नेशनल लेवल तक पहुँचें और राजस्थान का नाम रोशन करें। इस अवेयरनेस को इसका मतलब ये है कि बच्चों को नॉलेज के प्रति एक अवेयरनेस जगाना और टू अनलॉक द जीनियस इन देम, ये हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। इस साल ये तीसरी बार हम कंडक्ट कर रहे हैं देश में और अभी जयपुर में जैसे वैसे 48 सेंटर्स में देश में हो रहा है। इसका अभी सेकेंड फेज होगा, सेकेंड स्टेप होगा, फिर मेगा जो इसका फिनाले होगा वो मुंबई में होगा, जिसको कि विनर्स को उनको कुछ प्राइजेज अवार्ड्स मिलेंगे और उनको रिकग्निशन मिलेगा। प्रदेश रा सरकारी स्कूलों में टाबरा ने विज्ञान और तकनीक रा क्षेत्र में हो रिया नवाचारा सु रूबरू करावारा मकसद सु रोबोटिक लैब री शुरुआत करी जा रही है। एनी कड़ी में दौसा जिला रा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में रोबोटिक लैब री स्थापना करी गई है। अठे अध्यापिका स्वाति जाखड़ री अगुवाई में 3D मॉडल डिजाइन रा प्रिंट जरिए उपकरण बना रिया है। वटे ही पठेसरी इन पहल री सराहना करी है। ये 3D प्रिंटर है, इसके अंदर हम कोई भी, हमारे पास जो मॉडल होता है ना कि हमें कोई कीचेन बनानी है या कोई टॉय बनाना है या फिर जो भी कुछ बनाना है, तो उसको सबसे पहले हमको किसी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक पेन ड्राइव मिलती है हमारे को इसके साथ ही, तो उसके अंदर उस चीज़ को डालकर फिर उसके बाद इस पर प्रिंट पर लगा देते हैं। तो फिर ये प्रिंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये कीचेन बनाई थी हमने हमारे टीचर्स के लिए और ये कुछ हम अन्य टॉयज बनाए थे। तो इस तरह से हम कोई भी टॉय या कुछ भी चीज़ बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी मशीन है। ये हमारे रोबोटिक्स लैब में आया है, इसको ये एक स्पेस रोवर है, जैसे मार्स वगैरह पे जो जो इसकी मीडिया देखता है जो लैंड पे वो ये देखता है स्पेस रोवर। तो इसको हमने असेंबल करा, इसका किट आता है हमारे रोबोटिक्स लैब में आया हुआ है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसको असेंबल करने में मजा आता है, क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ नॉलेज सीखने को मिलती है इससे। ये हमारे स्कूल में रोबोटिक्स लैब आई है जो कि है ना दौसा जिले के 11 स्कूलों के अंदर रोबोटिक्स लैब आई है, जिसमें से दौसा ब्लॉक में केवल एकमात्र हमारी स्कूल है जिसके अंदर ये रोबोटिक्स लैब है। इस रोबोटिक लैब के अंदर हम सर बच्चों को है ना बहुत सारी मशीन्स बनाना सिखा रहे हैं धीरे धीरे। तो फर्स्ट ईयर जो है उसके अंदर मशीन्स बनाना है, ताकि जैसे ये टेलीस्कोप प्रिंटर बनाया है बच्चों ने, ये टेलीस्कोप है ये, तो ये ना प्रिंटर बनाया है बच्चों ने। और इसके हिसाब बच्चे ना जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये डांसिंग डॉल बनाई थी बच्चों ने, आयरन मैन हैंड बनाया, तो ये ड्रोन है, जैसे ड्रोन को बच्चों ने उड़ाना सीखा कि ड्रोन को कैसे है ना बैटरी लगा करके किस तरह से उड़ाते हैं। इसके अलावा एसिलेरो बनाया है बच्चों ने, जो कि है ना ब्लूटूथ एक ऐप, ब्लूटूथ डिवाइस से एक ऐप है बिग्स चैम्प ऐप, उससे कनेक्टेड हो जाता है। उसके बाद में हमने ये प्रिंटर है, ये हमारा इस तरह से ये प्रिंटर ये काम करता है, इसके अंदर कुछ कुछ छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा ये स्पेस रोवर है, तो स्पेस रोवर का एक किट आया है जिसको हमें असेंबल करना होता है और बच्चे इसको करके बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे LED बल्ब्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, जॉयस्टिक्स हैं, है ना, रेन डॉट डिटेक्टर है, ऐसी बहुत सारी डायोड PNP ट्रांजिस्टर्स, जिनको सोल्डरिंग मशीन, बहुत सारी मशीनें हैं जिससे बच्चे उनको यूज़ करना सीख रहे हैं और जिससे बच्चे है ना इस चीज़ के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या कि जो भी रोबोटिक्स के स्टेप्स हैं उनसे आगे बढ़ सकें और आगे जा करके अपना नाम रोशन कर सकें, तो ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको साइंस की और थ्योरेटिकल के साथ में उनको हो पाए।
राजस्थान विश्वविद्यालय माए राजस्थान में उच्च शिक्षा दशा और दिशा विषय माते सेमिनार आयोजन करियो गयो जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर्स भाग लिया। इन मौके एरुटारा अध्यक्ष प्रोफेसर बी डी रावत बताया कि कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रिया। टोंक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिलाओं खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना रे तहत महिलाओं ने गर्भावस्था री शुरुआत सु बच्चा रा जन्म रे पाछे ताई पौष्टिक आहार उपलब्ध कराबारा उद्देश्य सु दी जा रही राशि ने बढ़ार 10,000 रुपया करियो गयो है। इन योजना रो लाभ लेवन वाली महिलाओं रो कहना है कि बढ़ोड़ी रकम सु वे आपरी सेहत रो और बेहतर तरीका सु ध्यान रख सकेली। मातृवंदन योजना में अभी हमारी जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने दिव्यांग महिलाओं के लिए पहले उनको राशि 6,500 रुपये दी जाती थी, उनमें उन्होंने बदलाव किया है कि दिव्यांग महिला जो गर्भवती है उसको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपने खुद का और बच्चे का पालन पोषण कर सके और किसी से भी उसको पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं हो। जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो वो खुद अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर सकती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। जो पहली पहली गर्भवती होती है हमारे यहाँ पे, हम उसका पता लगाते हैं कि ये फर्स्ट गर्भवती है, इसके पहला बच्चा होने वाला है, उसे हम सेंटर पे बुलाते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, फिर उसका पंजीकरण करते हैं, उसे टीके के बारे में इसके बारे में समझाते, फिर 120 दिन उसके हो जाते हैं ना LMP को, फिर उसके बाद उसके टीका लगा के उसको पहली किस्त दिलवाते हैं 1,000 रुपये, उसके बाद दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जाँच के बाद उसे मिलती है 1,000 रुपये और फिर उसके बाद बच्चा होने के बाद उसे 4,000 रुपये मिलते हैं, जैसे लड़का हो गया तो 4,000 रुपये और लड़की हो गई तो 6,000 रुपये। इस योजना में राजस्थान सरकार ने एक बदलाव किया है और वो बदलाव ये है कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस योजना के तहत जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो पहले राशि 6,500 दी जाती थी उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसको लेकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं में इस बात को लेकर भी उत्साह भी है कि चलो ठीक है, किसी ने हमारी सोची है, इससे वो पौष्टिक आहार लेकर जो है खुद का और खुद के पैदा होने वाले बच्चे का ध्यान सही ढंग से रख पाएगी। इस दौरान जो है मेडिकली और आहार की जो सुविधाएँ हैं उसको बेहतर करके वो स्वस्थ बच्चा जन्म दे पाएगी। रवि टेलर, DD न्यूज, टोंक। जयपुरा छोटी चौपड़ा सीताराम जी मंदिर सु सिरधारू नगर परिक्रमा माथे निकलिया। इन दौरान सिरधारू ढोल मंजीरा बजावता और ध्वजा हाथ में लियोड़ा नजर आया। सीताराम सेवा समिति ने मुजब 18 किलोमीटर इन परिक्रमा में आने वाला सगड़ा मंदिरा रा भक्त दर्शन करिया। गणेश जन्मोत्सव ने लेर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में एक मोदक झांकी सजाएगी। मंदिर रा महंत कैलाश शर्मा बताया कि 9 दिन रा गणेश जन्मोत्सव रे दौरान आज भगवान गणेश ने माणक अर्पन्ना जड़ित खास मुकुट धारण करवाए गयो और मोदकारी झांकी सजाएगी। इन मौके सुबारे 5 बजे से ही भक्त दर्शन लाभ ले रिया है। आज भगवान गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी के मोदकों की झांकी सजाई गई। बालक के जन्मोत्सव के ऊपर उसको अलग अलग व्यंजन का भोग लगा के उसको मनाया जाता है। इसी संदर्भ में पिछले 3 दिन से यही कार्यक्रम चल रहा था। फलों का भोग लगा, 56 भोग लगा। आज भगवान के सबसे प्रिय जो चीज़ है वो मोदक, विभिन्न आकार के मोदक भगवान के यहाँ पे भोग लगा के और उनको मनाने का प्रयास किया जाए। पूरा प्रदेश में आए भाद्र शुक्ल चतुर्थी माते गणेश महोत्सव धूमधाम से मनायो चावेलो। 7 सितंबर ने मनाया जाने वाला गणेश जन्मोत्सव नीलेर प्रथम पूज्य गणपति रा जयकारा गुंजायमान हो रिया है। इन दौरान श्रद्धालु आपरा घरा माए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करेला, जिनने लेर राजधानी जयपुर माए जगह जगह भगवान गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण ने देखता तथा भक्ता कानीसु माटी सु बनियोरी गणेश जी की मूर्तियां री खास मांग करी जा रही है।
हम हैदराबाद से आए, हम यहाँ पे एमएनआईडी में पढ़ रहे हैं यार। हम हर साल एमएनआईडी में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। हमारे सारे प्रोफेसर आते हैं वहाँ पे और सब अच्छे से मनाते हैं। मूर्ति हमने क्या नाम से मिट्टी के लिए, जिससे वो विसर्जन अच्छे से हो जाए। पीओपी के लेते हैं तो फिर बाहर पानी वगैरह पड़ रहती है, हाथ जगह अलग पड़ा रहता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता है। गणेश महोत्सव के लिए हमने आज यहाँ से मूर्ति खरीदी है और इसकी हम पूजा करेंगे 10 दिन तक लगातार हमारे मंदिर में। और 10वें दिन हम इसे पूरे हमारी कॉलोनी में ढोल बजाड़ों के साथ लेकर जाएंगे और फिर इसका विसर्जन करेंगे। और इस बार हमने मिट्टी की मूर्ति खरीदी है और ये नेचर के लिए बहुत अच्छी होती है मिट्टी की मूर्ति, इसलिए इस बार हमने नेचर को बचाने के लिए इस बार मिट्टी की मूर्ति खरीदी है। 4 साल से हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय होते हैं। हम इस बार स्थापना करेंगे 7 तारीख से 17 तारीख तक। 7 तारीख को हमारी स्थापना रहेगी और 17 को विसर्जन रहेगा हमारा। 6 महीने पहले स्टार्ट करते हैं काम, तो इस पे क्या डायल आते हैं बाहर से, फिर उसमें खड़िया मिट्टी नारियल जूट फेविकोल का पानी और 2-3 मिट्टियाँ और डालते हैं, फिर उसमें ना डाई में लगाते हैं, फिर जैसे धूप में सूखते हैं जब जाके बनता है बड़ा मूर्ति। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र माते महिलावा और टाबरा ने पोषित आहार री जानकारी दी जा रही है। जूनावास में आंगनबाड़ी केंद्र में अनाज और सब्जी के जरिए रंगोली बनार सब्जियां और मोटा अनाज सारू जागरूक करियो गयो। महात्मा गांधी चिकित्सालय रा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा बताया कि कार्यक्रम के तहत महिलावा ने एनीमिया से बचवारा उपाय बताया गया। विभिन्न महिलाओं को एनीमिया किस वजह से होता है, एनीमिया क्या होता है और एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है, एनीमिया को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके संदर्भ में छोटी सी जानकारी दी गई, जिसमें पोषण के रिगार्डिंग घर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है और हमारी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में यह जानकारी दी। इसके तहत हम कुपोषण से निपटने में तेजी लाने के लिए अनेक गतिविधियां करा रहे हैं, जैसे कि अनीमिया की कमी में लाने के लिए हमारे आयुष विशेषज्ञ यहाँ पर बुलाए गए हैं। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लोगों को जागरूकता नहीं हो पाती है। पहली बात तो हम इसको समझ ही नहीं पाते कि ये एक तरीके से आगे चल के गंभीर बीमारी ले सकती है, बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण पे या महिला पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यवहार परिवर्तन इसका महत्वपूर्ण चीज है जो हम एक छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से कराते हैं। बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने जो व्यवहार में खान पान में आदतों में सुधार अगर हम कर लें और यही चीज हम ग्राम स्तर तक पहुंचा दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो पोषण माह की जो थीम है ना वो सार्थक हो सकती है। यहाँ पे हमें जो गर्भवती महिलाएं हैं खूब सारी जानकारी दी गई है, उन महिलाओं को 9 माह में आयरन की गोलियां कैसे लेनी चाहिए वो भी बताया गया है और उनको गोलियां वितरित भी यहाँ की गई है। ये गोलियां 3 माह में कभी भी 4th महीने से ये गोलियां लेना कंपलसरी है ये बताया गया है और यहाँ गोलियां भी एनी टाइम दी जाती है। बच्चों को भी यहाँ आयरन का जो भी है वह दिया जाता है, यहाँ सब कुछ जो भी एनीमिया के लक्षण उनको दूर करने के लिए जो भी उपाय है वो सारे यहाँ बताए गए हैं। अभी राजस्थान पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक विपिन पांडे चूरू माए अधिकारियों रे साथे बैठक कर अपराधा री समीक्षा करिया। इन दौरान महिला अपराधा ने रोकबा खातर ठोस कदम उठावन रा निर्देश दिया। बैठक में सीकर रेंज रा आईजी सत्येंद्र सिंह, चूरू रा पुलिस अधीक्षक जय यादव समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। चूरू आना हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य समीक्षा करना, खास करके जो महिला अत्याचार से संबंधित अपराध है उसकी समीक्षा करना और इस क्षेत्र में शेखावटी में जो कुछ हार्ट क्रिमिनल्स का रहता है झुंझुनू सीकर और चूरू में जो हरियाणा बॉर्डर पर लगे हुए होने की वजह से कुछ हार्ड एंड क्रिमिनल की जो गतिविधियाँ होती है जिसमें पिछले दिनों रेंज में अच्छा काम हुआ है उसमें उसको देखना और जो चुनौतियाँ रह गई है उसको कैसे आगे इसमें और भी बेहतर परिणाम देना है इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से ये भ्रमण रखा गया है। इसमें जो कुछ पुलिस के द्वारा या मुख्यालय के द्वारा जो नवाचार चल रहे हैं चुनाव की वजह से और किसी वजह से उसमें अगर कोई थोड़ी गति नहीं आ रही होगी तो उसको भी देखना है ताकि उसमें और गति लाई जाए। सोशल मीडिया का कैसे यूज किया जाए ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचा जाए ताकि एक सुरक्षित माहौल बने, साथ में आने वाले समय में जो हरियाणा में चुनाव है
उसके दौरान अपराधियों की गतिविधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। अब एक खबर मौसम से। प्रदेश में मानसून ने फेरु सक्रिय होबा से तेज बारिश रो दौर चल रही है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर के साथ ही कई जिला में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुजब बंगाल की खाड़ी में एक और नुवो कम दबाव रो क्षेत्र बनवा से अगला चार पांच दिन के दौरान प्रदेश की कई ठोरा माते भारी बिरखा होबा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 24 घंटा के दौरान जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभागारा कई ठोरा माए मध्यम से तेज बिरखा हो सके है। वे बताया कि पूर्वी राजस्थान रा ज्यादातर ठोरा माए अगला चार पांच दिन तक ही मानसून सक्रिय रहे। राजस्थान के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश ऋषभ देव उदयपुर में अति भारी बारिश 167 mm, जबकि पश्चिमी राजस्थान के गुड़ा मलानी बाड़मेर में 147 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में चल रहे भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों में बना रहेगा। इस दौरान अनेक भागों में खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अगले चार पांच दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और इस दौरान एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले तीन चार दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि आप देखेंगे कि 7-8 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें बारिश में कमी होती हुई दिखेगी। लेकिन पूर्वी जो भाग है, खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, इनमें अभी भी अगले चार पांच दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश के स्पेल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक यदि देखें तो 597 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में हो चुकी है, जो कि सामान्य से 54% ज्यादा है। यानी कि इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से डेढ़ गुना से ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। अब रुक करा जोधपुर का नहीं तो जोधपुर में लाडला 24 घंटा से बिरखा रो दौर है वो चाल रही है। मौसम विभाग जिला में येलो अलर्ट जारी करियो है। बारिश से चलता जोधपुर और आर एस आरेरा हल्का माए जल भराव री स्थिति बनी उड़ी है। तिवरी रे कने तेज बहाव रे कारण ओसिया और तिवरी रे बीचे रेलवे लाइन माए पानी भर गयो, जिनसू C-31 रे कने ट्रैक रे नीचे सु मिट्टी बहेगी और जैसलमेर काठ गोदाम रो जो को मार्ग थो उन्हें बदलनो पड़ियो। मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्व में पूर्वानुमान किया गया था बारिश का, उसी के अनुसार आज सुबह 9 बजे से ही जो है जोधपुर में बहुत हैवी रेन हुई है और उसके सुबह ही जो है बहुत कंट्रोल रूम पे और फोन आए थे, तो उसके हिसाब से मैं और कलेक्टर और पूरी नगर निगम की टीम जो है मुख्यतः डरबी कॉलोनी में हमने राउंड लिया था और वहाँ पे जल भराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे पंप सेट जो है लगाए हैं। साथ ही वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको भी भोजन की जो है व्यवस्था भी हमने करवाई कि उनको जो है वहाँ के स्थानीय निवासियों को भोजन के पैकेट दिए जाए, लंच और डिनर दोनों ही। पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर्स की व्यवस्था करवाई है ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और उसके अलावा यदि लगा कि वहाँ पे उनको स्थापित करने के है तो उसके लिए भी हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। मौके की स्थिति अनुसार ही हम उनको वहाँ से शिफ्टिंग भी करेंगे। इसके अलावा बाकी अन्य जगहों पे चूंकि अभी बहुत हैवी रेन है तो पानी भरा हुआ है, लेकिन जगह जगह पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हम मड पंप लगा के पानी की निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा बरसात हुई और पहले जो बुवाई की थी उसमें जो अपने जितने भी मतलब खरपतवार बुवाई करने के बाद में बरसात का दो निरंतर होने से वो पैदावार मतलब आगे बढ़ नहीं रही है और वो अपने हिसाब से बहुत छोटी है और पीली पड़ने लगी। इसी में मतलब कोई तरह का मतलब परेशानी है, मतलब खेत उपजाऊ की स्थिति में नहीं है, मतलब जो किसान ने जो अपना पैसा लगाया है उसके वजह से मतलब आपके इतनी बरसात होने से फसल बिल्कुल कमजोर है। जल भराव बहुत ज्यादा हो रहा है, सीमा से ऊपर जा रहा है और फसलें जो इससे थोड़ी नष्ट होने की उम्मीद
लग रही है कि फसल पार नहीं पड़ेगी। जोधपुर पचे बूंदी रो रुख करा तो बूंदी जिला में भी होरी बिरखासू नदी नाला उफान माते आई गया है। जिला रा नेनवा उपखंड में हुई तेज बिरखासू कनक सागर बांध लबालब भर गयो है। बांध सु करगी पानी री निकासी रे चालता निचला इलाका में पानी भर गयो है। वटे ही मेज नदी में उफान सु नदी माते बनी ओडाओ पुल माते 2-3 फुट पानी बह रियो है, जिनसु आवागमन प्रभावित हो रियो है। बूंदी जिले में नैनवा और इंडली क्षेत्र में गत रात्रि को अच्छी बारिश होने के कारण सभी बांधों में ओवरफ्लो चल रहा है, जिसके कारण बेन नदी भी उफान पर है। गुड़ा बांध के कल रात वीरवाड़ा क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई थी, जिसके कारण पानी की आवक के कारण गुड़ा बांध के 4 गेट खोले गए थे। दुगारी बांध के कैचमेंट एरिया के अंदर अति वर्षा होने के कारण दुगारी के चौ तरफ का रास्ता कटा हुआ है। नैन व दुगारी मार्ग भी बंद हैं। सुबह 6 बजे सीआई साहब महेंद्र सिंह जी यादव को कॉल करके बताया तो सीआई साहब मौके स्थिति पूछा, जाता लगाया। जैन समाज के 15-20 दुकानों में पानी घुस गया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबरें एक और फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेरी सफल यात्रा रे पाछे पुग्या सिंगापुर। आपरा समकक्ष लॉरेंस वोंग रे साथे करेला द्विपक्ष बैठक। जोधपुर एयरबेस माथे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास जारी। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई और हंगरी वायुसेना रे साथे भारतीय लड़ाकू विमान दिखा दिया है आपरो रण कौशल। राजस्थान प्रशासनिक सेवारा 11 अधिकारी पदों न थोर बनिया आईएएस अधिकारी। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन करियो जारी। प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरा में थे। जयपुरा मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सजाई की मोदकारी झांकी। भगवान गणेश ने धारण कराए गयो खास। प्रदेश में तेज बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में तेज बिरखारी जताई संभावना। जोधपुर में रेल यातायात नियुक्त। डीडी न्यूज राजस्थान की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी आप देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी समाचार आ रहे इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।